अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद इकराम, आज क्लास 8 मैथ का लेक्चर 11 है और इस लेक्चर में आज हम जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन बाइनरी सिस्टम पढ़ेंगे कि कैसे जो है किसी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर जैसे कि आपको पता है कि बेस 2 सिस्टम को कहते हैं, जिसमें सिर्फ दो ही नंबर होते हैं 0 और 1। इसकी काउंटिंग जो है बस 0 से शुरू होकर 1 पर ख़त्म हो जाती है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल जो है एक्सरसाइज 2.5 है, इससे कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो बाइनरी नंबर के एडिशन में आप यूँ समझ लें कि सॉल्व करेंगे कि जब भी 0 को 0 में प्लस करेंगे 0 आंसर आएगा, 0 को 1 में प्लस करेंगे तो 1 आएगा आंसर, और 1 में 0 को प्लस करेंगे तो भी 1 आएगा। अच्छा, जब 1 को 1 में ऐड करेंगे तो ये आंसर हमारे पास 10 है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो है 1 और 1 प्लस करके वैसे तो हम 2 लिखते हैं, लेकिन बाइनरी नंबर में 2 होता ही नहीं है। 1 0 और उसके बाद डायरेक्ट 10 फिर 11। अच्छा, ये काउंटिंग हमने लिखी है बाइनरी नंबर में, 0 जो है वो 0 ही के बराबर होता है, सही है। फिर 1 के बराबर होता है, और हमारे पास जो 2 है वो हमारे पास 10 के बराबर होता है। अब डायरेक्ट आप देखें कि 1 के बाद जो है 2 किसके बराबर है, 10 के बाद, और 3 किसके बराबर है, 11 के बराबर है। फिर 11 के बाद जो है 4 जो है डायरेक्ट 100 के बराबर है। आप जितने भी इधर नंबर देखेंगे वो 1 और 0 के फॉर्म में होंगे, जैसे 1 फिर 1 और 0 फिर 1 और 1, 1 00, 101, 1110, 111, ये 1 और 0 की फॉर्म में जो है हमारे पास सारे नंबर हैं, इसलिए इसको हम बाइनरी काउंटिंग भी कहते हैं। ये काउंटिंग जो है बाइनरी काउंटिंग यूँ शुरू होती है, जैसे हम काउंटिंग करते हैं ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बाइनरी में जो काउंटिंग होती है वो यूँ होती है कि 0 1 10 11 100 101 110 111, और उसके बाद डायरेक्ट 1000 आ जाता है। तो जिस दिन नंबरों में सिर्फ 0 और 1 आएगा वही जो है बाइनरी नंबर कहलाएंगे। अच्छा, अब ऐड करना सीख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम एस कैसे ऐड करेंगे। तो पहले ऊपर वाले नंबर को लिख दिया, फिर नीचे वाले नंबर को लिख दिया। 0 में 1 को प्लस करेंगे तो हमारे तो 1 में 0 को प्लस करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 हमारे पास किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। तो 1 और 1 को ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10। फिर बेस 2 लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर 3 नंबर दिए हुए हो, जैसे कोई क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इसको कैसे लिखेंगे, पूरे पहले ये नंबर लिख लिया, तो पहले ये ऊपर वाला नंबर लिख दिया, फिर उसके बाद नीचे वाले नंबर लिख दिया, और उसके बाद ये तीसरा नंबर लिख दिया। अब इसको ऐड करना सीखें, 1 और 1 को प्लस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में 0 प्लस करेंगे तो 10 ही रहेगा। तो 0 प्लस 1 1, और 1 और 1 ये हमारे पास हो जाएगा 10। 10 का 0, क्योंकि 1 और 1 2 होते हैं, और 2 किसके बराबर होता है, 10, तो 10 का 0 जो है वो इधर आएगा और 1 कैरी चलाएगा। फिर 1 और 1 को प्लस करेंगे दोबारा 10 हो जाएगा, तो 10 का 0 इधर आ जाएगा और हमारे पास 1 कैरी हो जाएगा। अच्छा, 1 और 1 10, 10 और 1 क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जैसे अगर हम इसमें देखें कि 1 में अगर और एक 1 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 2 नहीं आएगा बल्कि 10 आएगा, 10 में एक और प्लस करेंगे 11 हो जाएगा, 11 में एक और प्लस करेंगे 100 हो जाएगा। तो इसकी काउंटिंग को जो है ना आपको ये समझना पड़ेगा। मैं दोबारा एक दफ़ा बता दूं, 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 10 आएगा हमारे पास बाइनरी नंबर में, 1 और 1 2, 2 10 के बराबर होता है, तो 10 का 0 इधर आ गया, 1 कैरी। फिर 1 और 1 दोबारा 2 हो गया, 2 10 के बराबर होता है, 10 का 0 इधर, 1 कैरी। फिर 1 और 1 और 1 3 होता है, 3 जो है हमारे पास किसके बराबर होता है, 11 के बराबर, तो हमने 11 लिख दिया। अच्छा, अब इसका जो है सब्ट्रैक्शन भी सीख लें। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करना सीखें। अच्छा, पहला नंबर दिया हुआ है 1110 -101। अच्छा, अगर हम देखें तो 0 में से 1 को माइनस नहीं कर सकते, तो इसको काट के जो है हमने 0 कर दिया और 1 इसको दे दिया, ये 10 हो गया, सही है। 10 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। हाँ, 10 में से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1, क्योंकि काउंटिंग में अगर आप देखें तो काउंटिंग यूँ शुरू होती है कि 10 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा, 11 में से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास,
10 बचेगा। अच्छा 100 में से 1 निकालें तो 11 बचेगा। ये काउंटिंग इस तरह, तो 10 में से 1 निकाला हमने, 1 बचा हमारे पास, ये 0 हो गया। 0 में से 0 निकाले 0 हो जाएगा, 1 में से 1 निकाले 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1। ये जो है, मैं उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि बाइनरी काउंटिंग जो है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इस लेक्चर में जो है आपको ये बाइनरी काउंटिंग जो है ज़रूरी है कि अगर 10 में से 1 को माइनस करें तो 1 आ जाता है हमारे पास आंसर। क्योंकि बीच की जो काउंटिंग है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, वो बीच में है ही नहीं, सही है। तो 10 में से 1 माइनस करके तो जितने भी नंबर बीच में आ रहे हैं 2 और 9 के दरमियान, वो सारे जंप मार के डायरेक्ट 1 आ जाता है आंसर, सही है। दोबारा एक ये दफ़ा ये माइनस का क्वेश्चन समझ लें कि 0 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा, तो इसलिए इसको काट के 0 कर दिया और ये 1 इसको दे दिया, तो ये 10 हो गया। 10 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, 0 में से 0 निकालें 0, 1 में से 1 निकालें 0। फिर एक्सरसाइज 2.5 के जो है ना, ये बाकी क्वेश्चन है 2, 4, 8, 13 और 15, ये क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क है। फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।